Pradeva Vaya Deshe Pi Yasmin Kasmincha Vastuni Samadhiradya Sanmatram Naam Rupa Prathakratihi Akhandaikarasam Vastuhu Satchidananda Lakshadam Ityava Chinna Chinteyam Samadhe Madhyamo Bhave Stabdhi Bhavo Rasa Swada Tritiya Purva Vanmataha Etai Samadhi Bhir Shadbhihi Najet Kalam Nirantaram Deha Bhimane Galite Vigyate Paramatmani Yatra Yatra Mano Yati Tatra Tatra Samadhyah Vidyate Hradaya Granthihi Chidyante Sarva Shanshayah Chiyante Chasya Karmani Tasmin Drishte Paravare Vidyate Hradaya Granthihi Chidyante Sarva Shanshayah Chiyante Chasya Karmani Tasmin Drishte Paravare Tasmin Drishte Paravare Radiva Vahya Deshepi हृदय की समाधि के बाद अब बाह्य देश की समाधि का भी वर्णन किया। बाह्य देश की समाधि के लिए जो सविकल्प समाधि है उसका भी नाम वही है जो पहले था, दृश्यानुविद सविकल्प समाधि। इसमें साधक का जो ध्यान है वह अधिष्ठान पर है, इसलिए देखो इसकी जो प्रक्रिया है वो कैसे की। समाधि ही आदि, आदि मतलब पहले की सबसे पहले समाधि, सन्मात्रात नाम रूप पृथक कृति ही। साधक को सबसे पहले सन मात्रा पर दृष्टि डालनी चाहिए। सन मात्रा पर, अधिष्ठान पर नजर जाने से नाम रूप को उसको अलग अलग करके रखना चाहिए। ये समाधि को कहा गया दृश्यानुविद्ध समाधि। सत्ता को देखने से,
सत्ता पर ध्यान केंद्रित करने से साधक नाम और रूप को पृथक कर देता है। यदि कहीं उसकी निगाह नाम और रूप पर पड़ गई, यदि उसकी दृष्टि नाम और रूप पर पड़ गई तो वह साधक व्यवहार में व्यस्त हो जाएगा। दोनों चीजें हैं। कल इसी ग्रंथि की बात कर रहा था। वही व्यक्ति इस समाधि को करने में असमर्थ पाता है अपने आप को, जिसका चित्त व्यवहार में जबरदस्त आसक्त है। मतलब व्यवहारासक्त व्यक्ति ध्यान में बैठने में कतई सक्षम नहीं है। व्यवहारासक्त मतलब ये हुआ, उसको किसी न किसी विशेष नाम और रूप की चाहत है। वेदांत में व्यवहार मतलब क्या हुआ, कोई विशेष नाम चाहिए और कोई विशेष उसको क्या चाहिए, रूप चाहिए। मतलब उसके पास कुछ न कुछ चाहिए। और वो भी देखो आप, नाम और रूप व्यक्ति को कहां ले गए, बोले अंदर नहीं बाहर। तो जितनी साधक में नाम और रूप की व्यवहारासक्ति कम होगी, है ना, इस बात को बार बार दोहराया जा रहा है तीन दिन में, जितनी नाम रूप की आसक्ति कम होगी, जितना वैराग्य होगा, व्यक्ति उतना ही समाधि का अनुष्ठान कर सकता है। इसलिए कल कह रहा था, सामान्य और विशेष दोनों ही उपाधियां हैं। वेदांत में शब्द प्रयोग किया जाता है सामान्य सत्ता या विशेष सत्ता। विशेष सत्ता तो उपाधि है ही है, और जो सामान्य सत्ता है उससे जाति का जन्म होता है। यह विषय आपके दिमाग में आ गया, सामान्य सत्ता से जाति का जन्म होता है। जैसे कि गोत्र, गोत्र मतलब क्या हो गया, गाय। मनुष्यत्व तो पूरे मनुष्यों में जो कॉमन है उसको क्या कह दिया, मनुष्यत्व। तो मनुष्यत्व भी क्या बन गई, एक जाति। अच्छा, बोले जाति बनने से क्या अंतर हो गया, जाति बनने से आपस में सजातीय, आपस में देखो मनुष्य मनुष्य में तो क्या है, फर्क है। तो ये कैसा अभाव हो गया, सजातीय बन गया कि नहीं बन गया। जैसे ही जाति बनेगी वैसे ही सजातीय भेद उत्पन्न हो जाएगा। जैसे ही विशेष की ओर जाएंगे वैसे ही विजातीय भेद उत्पन्न हो जाएगा। इसमें कोई अंतर रह गया, देखो आप विजातीय कैसे, एक हो गया पुष्प और एक हो गया मनुष्य, इसमें आपस में क्या भेद है, विजातीय भेद। तो हमने किसी विशेष को लिया, पुष्प को लिया, तो मनुष्य को क्या कर दिया, फिर छोड़ दिया, तो ये विजातीय भेद उत्पन्न हो गया। नहीं, पुष्प की ही बात की गई तो फिर एक पुष्प का दूसरे पुष्प से आपस में, गुड़हल के पुष्प का गुलाब के पुष्प से भेद है, इस भेद को क्या कहेंगे, सजातीय भेद। तो विशेष से विजातीय पैदा होता है, सामान्य से सजातीय भेद पैदा होता है। वह जो सन्मात्रा है वह ना तो सामान्य है ना तो विशेष है, सजातीय विजातीय स्वगत भेद शून्य है। ये ब्रह्म का लक्षण है, ये याद हो जाए आपको। ब्रह्म का लक्षण क्या हुआ, सजातीय विजातीय स्वगत भेद शून्य को ब्रह्म कहते हैं, जहां यह तीनों भेद नहीं है। स्वगत, स्वगत मतलब स्वयं में। यह कैसे होगा, बोले यह सन मात्रा कहने से, मतलब सत्ता पर दृष्टि डालने से,
और बार बार कह रहा हूं सद शब्द नहीं कहा गया, सन मात्र शब्द कहा गया, जहां किसी प्रकार का कोई मिश्रण नहीं है। सत्ता पर दृष्टि हो गए तो नाम रूप अपने आप क्या हो गया, पृथक हो गया। ये पहली समाधि स्पष्ट हो गई कि नहीं हो गई? सत्ता पर दृष्टि हो, ना मैं विशेष सत्ता की बात कह रहा हूं, ना मैं सामान्य सत्ता की बात कह रहा हूं, मैं सिर्फ सत्ता मात्र कह रहा हूं। जैसे ही सत्ता मात्र पे निगाह होगी, वैसे ही व्यक्ति नाम और रूप को क्या कर देगा, पृथक करेगा। इसको अभ्यास कहते हैं, यह अभ्यास तो व्यक्ति को करना पड़ेगा। यह अभ्यास तो व्यक्ति को करना पड़ेगा और यह अभ्यास खुली आंख से करना है। अच्छी बात यह है, जैसे कि आपके घर में कोई चीज ले लीजिए और उसमें यह देखने की कोशिश कीजिए कि इसमें सत्ता क्या है और इसमें नाम और रूप क्या है। बैठे बैठे व्यक्ति यह खोजने की कोशिश करे, इसमें सत्ता क्या है और इसमें नाम और रूप। अब मेरी जो निगाह होनी चाहिए वो किस पे होनी चाहिए, सत्ता पर होनी चाहिए, नाम और रूप पे। हम सब झगड़ा नाम और रूप का ही है, सब झगड़ा नाम रूप का है। सत्ता मात्र में तो कोई झगड़ा ही नहीं है। तो बोले यह जब वह प्रयास करता है, इस प्रयास को बाहर देश की दृश्यानुविद्ध सविकल्प समाधि कहते हैं। ठीक है, हो गया। अच्छा, दूसरा अब ये करता हो गया, ये श्लोक पूरा हो गया, समझ में आ गया ये कि पंक्ति इसकी नाम रूप पृथक करती है। उसने नाम और रूप को क्या कर दिया, पृथक कर दिया। अच्छा, लेकिन ध्यान रखिए, मैं कह रहा हूं ये सिद्ध तो नहीं है। तो ये देख रहा था बाहर और क्या कर रहा था, आंख खोल कर सत्ता को अलग कर रहा था और नाम रूप को अलग कर रहा था, नाम और रूप पृथक कर दिया। करते करते यह वस्तु के प्रवाह में बह गया, ये वस्तु के प्रभाव में बह गया। किसी को देखा और उसके बारे में ही फिर सोचने लगा, तो तुरंत उसको चेताते हैं, ए साधक जब भी तुम बहने लगो, जब तुमको लगे कि नहीं नहीं मामला गड़बड़ हो रहा है, मेरी साधना में कुछ विक्षेप आया है, तो तुरंत एक्श कर उसी समय शब्दों का उच्चारण चालू कर दो और वही शब्द बोलने हैं जिसका संबंध सत्ता मात्र से है। मैं बार बार कह रहा हूं, पहले जो शब्द बोले गए थे वह साक्षी के लिए थे, अब जो शब्द बोला जा रहा है वो सत्ता के लिए है। इन दोनों में अंतर कर लीजिएगा। साक्षी के लिए शब्द क्या बोला गया, असंग, यही शब्द बोला गया था, सच्चिदानंद, और क्या बोला था, स्वप्रभो द्वैत वर्जित, ये किसके लिए बोला था, साक्षी के लिए, क्योंकि उसकी जो दृष्टि थी वो किस पे थी, साक्षी पे। अब दृष्टि किस पे है, अब दृष्टि सत्ता पर है। तो अब क्या बोलता है, अखंड, अब उसका ध्यान ऐसी सत्ता पर है जिसका खंड नहीं हो सकता। अच्छा, खंड मतलब क्या, खंड मतलब ये हो गया कि यह यहां पर है और यहां पर नहीं है, यही हुआ ना खंड। मतलब ये पुष्प इस पुष्प से खंडित है, क्यों, ये पुष्प इसमें नहीं है और यह पुष्प इसमें नहीं है। ठीक है, इसी को वेदांत में भेद कहते हैं। यह पुष्प का अभाव इसमें है, इस पुष्प का अभाव इसमें है, इसलिए अखंड कहने से उसको वही याद आया, क्या चीज, सजातीय विजातीय स्वगत भेद शून्य। देखो शब्द क्या चिल्ला रहा है,
अखंड शब्द अखंड चिल्ला रहा है, लेकिन ध्यान उसका किस पे चला गया? सजातीय विजातीय स्वगत भेद शून्य सत्ता। ओहो, वो ब्रह्म का ध्यान कर रहा है। तो ब्रह्म के उच्चारण में अंतर है, शब्दों में अंतर है। अब असंग नहीं बोल रहा है, अब क्या बोलता? अखंड बोल रहा है। इसलिए कह रहा था उस दिन भी कि सन्यासी भी भिक्षा मांगने जाता था तो वह एक शब्द बोलता था, अलख निरंजन, जिसको लखा नहीं जा सकता। तो मुझे तो ऐसा ही लगता है कि वह जो यति है, वह जो सन्यासी है, वह बाहर को देखते हुए भी क्या कर रहा है? एक शब्दानुविद्ध समाधि कर रहा है, ले तो भिक्षा रहा है और देख ब्रह्म को रहा है। तो मनुष्य और स्त्री और पुरुष उसको ना दिखे, इसलिए वो क्या चिल्लाता है? अलख निरंजन। कितनी अच्छी परंपरा डाली गई थी। बार बार कह रहा हूं कि यहां पर प्रत्याहार नहीं है, इसने अपनी इंद्रियों को नियंत्रण में नहीं रखा है, क्योंकि इंद्रियां कहां हैं? बाहर की ओर जा रही हैं। दृश्यानुविद्ध पहली समाधि में तो उसने क्या किया? प्रत्याहार किया। अब तो किसी प्रकार की कोई नियंत्रण की आवश्यकता नहीं, इतनी उसकी स्थिति हो गई है। ये कहने का तात्पर्य है। हाँ, क्या कह रहे थे? हाँ, एक ही है, लेकिन अभी इस समय दृष्टि कहां पर है? जिस पर दृष्टि होगी उसी का नाम पुकारेगा। जैसे गणेश जी पर दृष्टि थी तो नमक गणपते, नमक व्रात पते, नमक प्रमथ पते। अब दुर्गा जी आ जाएंगी तो अब दुर्गा जी को बोलेंगे, लेकिन जो व्यक्ति जानता है वो कहेगा दुर्गा और गणेश में किसी प्रकार का कोई, लेकिन पुकारेंगे क्या? यह तो गलत हुआ कि स्त्री को पुरुष की संज्ञा दे देना और पुरुष को स्त्री की संज्ञा दे देना, लेकिन जो असली व्यक्ति है उसको समझ में आएगा स्त्री और पुरुष में किसी प्रकार का कोई भेद, लेकिन व्यवहार को बनाए रखने के लिए स्त्रियों की स्त्रियोचित और पुरुष से पुरुषोचित व्यवहार तो करेगा ही करेगा। नहीं नहीं, उनका जो प्रश्न है तो वो क्लियर हुआ। जो व्यक्ति जिस जो चीज जैसी सामने होगी वैसे ही तो बोलेगा। अभी इसकी निगाह कहाँ है? सन मात्रा। तो फिर नाम किसका लेगा? सत्ता का लेगा। अगर कहीं साक्षी का नाम ले लिया तो फिर उसकी दृष्टि किस पे चली गई? वृत्ति पर। वृत्ति पर फिर वाह्य जगत तो उससे क्या हो गया? छूट गया। लेकिन ये व्यक्ति क्या कर रहा है? अंदर को तो कर ही चुका, अंदर तो उसने दृष्टा को क्या कर लिया? देख ही लिया। अब बाहर भी तो रुक ले, इसलिए बाहर तो उसको क्या दिखती है? सत्ता। तो सत्ता को देखकर सत्ता को देखता है और नाम रूप को अलग करता है। जैसे ही फिसलन प्रारंभ हुई उसने शब्दों का उच्चारण चालू कर दिया। अब महाराज, अब तो गाड़ी निकल गई, बहुत देर हो गया, अभी तो श्लोक पूरा करने दीजिए, वरना होएगा नहीं है। अखंडेक रसम वस्तु सत। अब देखो कैसे मिलाता है वह साधक। यह जो सत्ता है ये जड़ नहीं है। ना बोले फिर ये सत्ता भानात्मक सत्ता है, जड़ात्मक सत्ता नहीं है। यही नहीं, यह जो सत्ता है यह रूखी सत्ता नहीं है, ये कैसी आनंद देने वाली। इसलिए क्या कह दिया गया? सच्चिदानंद। मिल गया? जो चैतन्य का लक्षण है वही सत्ता का लक्षण है। कोई सोचे सत्ता सत्ता कहने से तो रूखापन है, रूखापन नहीं भाई, वही सत है, वही चित है और वही आनंद है। कौन है? बोले वही सत्ता। ये सत्ता के ही लक्षण है। क्या लक्षण है? सत चित आनंद लक्षणम।
अब क्या करता है? बोले अविच्छिन्न चिंतेयम्, विच्छिन्न नहीं अविच्छिन्न चिंतेयम्। अब यह अविच्छिन्न चिंतन क्या करता है? प्रारंभ कर देता है। चिंतेयम्, चिंतेयम मतलब चिंतन, ध्यान का संस्कृत में जो ध्यान शब्द बना है वह धातु ध्येय चिंतायाम, जो शब्द बना है ध्येय चिंतायाम, चिंतन करने की वृत्ति को ही ध्यान कहते हैं। तो क्या करता है? अविच्छिन्न चिंतेयम्। ये महाराज क्या करने लगा? अविच्छिन्न इसी के बारे में क्या कर रहा है? चिंतन कर रहा है। बोले इसको बोलते हैं समाधिर मध्यमो भवेत। क्या कर रहा है? मध्यम समाधि। मध्यम समाधि मतलब श्रद्धानुविद्ध समाधि कर रहा है। अभी पूरा हो गया इसका? तो बहिर्देश में दृश्यानुविद्ध समाधि हो गई और बहिर्देश में कौन सी समाधि हो गई? शब्दानुविद्ध। अच्छा, अब शब्दानुविद्ध समाधि करते करते, कल आखिरी वाक्य कह रहा था मैं, करते करते महाराज उसको रस आने लगा। वहां पर भी क्या आने लगा था? रसास्वादात, यही शब्द आया था। देखो स्वानुभूति रसावेशात, और यहां पे भी क्या लिखा है? रसास्वादात, रस का स्वाद आने लगा। मिल गया श्लोक? नेक्स्ट 29वां, रस का स्वाद आने लगा। ओहो, और इसका परिणाम ये हो गया, इतना रस आया। ध्यान रखना, ये कहां समाधि कर रहा था? बहिर्देश में। तो बहिर्देश में आंख नाक कान मुंह इसके सब क्या थे? तो वो खुले के खुले ही रह गए, स्तब्ध। स्तब्ध, स्तब्ध मतलब जो कर रहा था वही करता रह गया। स्तब्ध मतलब ये हो गया। हम भाई व्यवहार में भी शब्द क्या बोलते हैं? स्तब्ध रह गए। स्तब्ध रह गए मतलब देख रहे थे तो देखते ही रह गए, सुन रहे हाँ। अब उसमें तो जड़ता है ना माता जी, है ना, उसमें तो जड़ता है। ये क्या कर रहा है? देख रहा है तो देख ही रहा, सुन रहा है तो सुनता ही गया। मतलब जिस स्थिति में था उस स्थिति में वो रह गया। कल मैं इसके लिए दृष्टांत दे रहा था और कहीं भी मैंने अभी सुना, इसका जो सबसे बढ़िया दृष्टांत आया था वो रामकृष्ण परमहंस का आया था। एक दृष्टांत मैंने दिया कि उन्होंने काली माँ की उपासना की तो उनके अंदर स्त्रियों शरीर के भाव उत्पन्न हो गए, मासिक धर्म उत्पन्न हो गया एक पुरुष में। और ये संसार की बहुत बिरला घटना थी कि ये कहां से उत्पन्न हो गया। और पता लगा कि उसका जो कारण था वो क्या था? काली माँ से तदाकार हो जाना था। यही नहीं हुआ है, ध्यान रखिए, मैंने स्वामी जी से ये भी सुना कि वह हनुमान जी की उपासना कर रहे थे, हनुमान जी की उपासना के करने के कारण उनमें पूंछ उगने लगी थी, पूंछ आने लगी थी। देखो इसका संभव है, अभी तो अभी के उदाहरण है, ये कोई मेरे ख्याल से सतयुग त्रेता और द्वापर के तो है नहीं, ये तो कलयुग के ही हैं सब। हाँ मतलब कलयुग के ही तो होंगे, ये राम के जमाने के कृष्ण के जमाने के तो थे नहीं। यह फल है तदाकार का, ये फल है तदाकार होने का कि जिस चीज से उपासना करते थे। अब यह तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैंने सुना ऐसा, किसी फिलोसोफर से सुना कि महाराज इनकी तो ये भी स्थिति आ गई थी
कि यह सभी धर्मों की साधना में बिलीव करते थे, रामकृष्ण परमहंस सभी धर्मों की साधना में। हाँ, कुरान भी पढ़, यही मैं कहना। तो बोलते हैं ऐसा मस्जिद से तदाकार हो गए कि मंदिर की ओर आंख उठा के नहीं देखते थे। और जो कुरान की आयतें हैं उसको वो इतने प्रेम से सुनते थे और पूरा उनके शरीर का जो आकार था वो वैसा ही होने लगा। देखो मुस्लिम धर्म में लोग कहते थे, लगता है कि मानो मंदिर को ये व्यक्ति जानता ही नहीं है, आंख उठाकर भी नहीं देखना। ये किसका फल है? इसका मतलब ये है इस व्यक्ति का कहीं से तादात्म्य नहीं। यह भी तो हुआ, इस व्यक्ति का कहीं से तादात्म्य नहीं है। यह हनुमान जी भी बन जाते हैं, यह देवी भी बन जाते हैं, ये मस्जिद की आयतों को भी सुनने लगते हैं, इसका मतलब इस व्यक्ति का संग कहीं से नहीं। यही असली मात्रा में असंग है। जिसके साथ जाओ उसके साथ रंग में रंग जाओ। क्या शब्द कहा गया? ओ रंग रे जा, जिसके साथ रहो उसके रंग में क्या हो जाओ? रंग जाओ। यह कला आनी चाहिए। फिर वहां रहकर किसी अन्य चीज की स्मृति नहीं आनी चाहिए। हमारे साथ क्या, आश्रम में रहकर ग्रह की स्मृति आती है और घर में रहकर आश्रम की स्मृति आती है। कक्षा में बैठकर घर के कार्यों की याद आती है और जब घर के कार्य कहे जाते हैं तो फिर वेदांत की स्मृति आती है। इसको बोलते हैं कि यह व्यक्ति जहां रहता है वहां अपना 100% नहीं देता। मुझको तो ऐसा लगता है कभी कभी, ये महाराज जो बड़े बड़े स्वामी जी लोग हैं, ये 7 दिन में ऐसा व्यवहार करते हैं कि लगता है कि ये आपके ही हैं। लेकिन जब यहां से फुर होते हैं उसके बाद, मैं तो वहां पे भी देखता हूं, तो वहां तो उनको यह भानी नहीं है कि आप नाम के कोई चीज जीवित है। और वो वहीं पे इतने क्या दिखाई देते थे, अभी क्या हो गया, जहां थे वहीं रंग में क्या हो गए, ये जीने का ढंग, ये शक्ति होनी चाहिए। यहां रहकर वहां की याद, वहां के रह के यहां की याद, तो व्यक्ति कहीं को भी एंजॉय नहीं कर सकता। रामकृष्ण परमहंस के साथ यह था कि उनका जो तदाकार होने की जो शक्ति थी, तदाकार मतलब जिस आकार में वो लगते थे उस आकार के जैसी उनकी सब भाव भंगिमा और उनके शरीर का गठन हो जाता था। देखो ये थी, इस समाधि को बोलते हैं स्तब्धि भाव। स्तब्धि भाव, देखिए व्यक्ति यह सब तभी कर सकता है जब वह निवृत्त होता चला जाए। हमारे स्वामी जी इस बात को एक बार 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 कहते हैं, निवृत्ति एक सतत प्रक्रिया का नाम है। यह आकस्मिक घटना घटने वाली नहीं है। इसको ध्यान से सुनिएगा, क्या कहा गया, जो निवृत्ति है वो कैसी है, एक सतत प्रक्रिया का नाम है। व्यक्ति एकदम से निवृत्त हो सकता है क्या? तो वो दुख का कारण बन जाएगा। कक्षा को बंद करना है तो कक्षा को बंद करने का अपना एक क्या होगा, एक तरीका होगा ना, कि आप एकदम से पढ़ा रहे हैं और एकदम से ही सब कुछ बंद कर दिया, तो बोले मैं निवृत्त हो गया। आज प्रवचन सुना, कल घर छोड़कर भाग गए, मैं निवृत्त हो गया है। इसको निवृत्ति कहेंगे क्या? किसी चीज को एकदम से छोड़ देना, इसको तो निवृत्त नहीं कहते।
तो क्या कहा गया, निवृत्ति एक सतत प्रक्रिया का नाम है। प्रतिदिन के आचरण में निवृत्ति आनी चाहिए। जैसे कि वो साधना के लिए कह रहा हूं आपको, वही व्यक्ति ये समाधि कर पाएगा। मैंने आपको कहा कि व्यवहार आसक्ति नहीं होनी चाहिए, सही बात है, और आपने उठाया और सब फोन और सब कुछ ऑफ कर दिया और किसी से कोई बात नहीं की, बोले मैं आज से व्यवहार से निवृत्त ले रहा हूं, ये आचरण क्या ठीक है? अब ये होना कैसा चाहिए? कल 7 घंटे था तो आज कितने घंटे व्यवहार करूं? आज 6 घंटे करूं। भाई ये धूम्रपान करने वालों को छुड़ाने की ट्रिक क्या? इस चीज को व्यक्ति धीरे धीरे छोड़ता है ना। आप एकदम से कहोगे कि उसको एकदम छोड़ दो तो वो तो भाग जाएगा वहां से। 7 को 6 कर लो, 6 को 5 कर लो, 5 को 4 कर लो। अब ये कैसी चल रही है? प्रक्रिया चल रही है। उस व्यक्ति को भी ज्यादा कष्ट नहीं होता क्योंकि वो धीरे धीरे हर चीजों को क्या कर रहा है, छोड़ रहा है। तो मैं आपसे कह रहा हूं जीवन में निवृत्ति भी एक सतत प्रक्रिया का सतत प्रक्रिया चल रही है। लेकिन अब क्या कहें, बेवकूफी मूर्खता ये है कि भगवान की कृपा से हमको निवृत्ति का जीवन मिलता भी है तो हम उसको फिर से क्या करते हैं, प्रवृत्त कर देते हैं। ले भगवान की कृपा से मिला कि कुछ खाली समय मिला कि ध्यान कर लो, और हमने उस समय को फिर से किस में लगा दिया, फिर दुकान खोल ली। अब दुकान खोल ली तो फिर बैठो जाके, भाई तुमने ये बनाया कि 7 से 5 दुकान खुलेगी, इसके बाद नहीं खुलेगी, तो उसके बाद तुमको क्या समय देना चाहिए? तो तुमको फिर शांति से बैठना चाहिए। लेकिन फिर से तुमने क्या कर दिया, इसका मतलब जो निवृत्ति मिल रही थी तुमने उसको फिर क्या कर दिया, प्रवृत्ति में लगा दिया। तो ये तो मूर्खता है, क्या कहा जाएगा। ये व्यक्ति निवृत्त होना ही नहीं चाहता। इसलिए भगवान की कृपा से जो आपको निवृत्ति मिलती है उस निवृत्ति का सदुपयोग करके दूसरे दिन की निवृत्ति को और क्या करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। ये साधना है, ना कि और प्रवृत्त हो जाए। हो गया, तो यह एक सतत प्रक्रिया है। अच्छा, ये भी एक है बात है, यही साधना में उन्नति का चिन्ह है। आपकी साधना में बढ़ोतरी हो रही है या नहीं, साधना में बढ़ोतरी हो रही है या नहीं, इसका चिन्ह क्या करोगे फिर? बोले धन ज्यादा आ रहा है। धन आने से साधना में बढ़ोतरी हो ऐसा तो आवश्यक नहीं है। टीवी में दिख रहे हैं वह भी निशानी नहीं है, वह भी निशानी नहीं कि आपकी साधना में बढ़ोतरी हो रही है। महाराज कभी इनको, ये छोटे पर से हम लोगों को टीवी पे देख रहे हैं, वो महाराज शनि का ये आतंक मचाया धर के, और लोगों की कर लाखों लोगों की भीड़, लाखों लोगों की भीड़ जुटती थी, और वो आते थे ना, क्या नाम उनका, दाती महाराज। अब देखो क्या क्या निवृत्ति मिली। बस अब चित्त में वह समाधि की स्थिति बन सकती है। क्या किया आपने जीवन में? तो हम और आप देखो ऐसे मूर्ख लोग हैं, हम साधना को और व्यक्ति को मापते धन और भीड़ से हैं, धन और भीड़ से ही मापते हैं। ये व्यक्ति के पास चेले बहुत अच्छे हैं, इस व्यक्ति के पास धन बहुत बढ़िया है, इस व्यक्ति के पास भीड़ बहुत ज्यादा है, इसका नाम बहुत ज्यादा है। महाराज ये सब तो अज्ञानी का भी हो सकता है, ये तो अज्ञानी का भी हो सकता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। अरे छलिया हो, कपटी हो, दुष्ट हो, प्रपंची हो, ये
तो यह सब चीज तो उसके पास में भी आ जाती है, कौन सी बड़ी चीज है। कभी भी साधना को, अपनी साधना को भी इससे मत मापिए। ये साधक निराश क्या होता है, हमारे लोग नहीं बन रहे हैं, हमारे पास धन नहीं आ रहा है, तो हमारी साधना क्या है, हमारी साधना गड़बड़ है। ये साधना का फल है, साधना का फल है कि चित्त में निवृत्ति कितनी आई, चित्त में निवृत्ति कितनी आई ये बताओ। अभी भी तुम्हारा मन वही सब करता है जो पहले करता था, तो इसका मतलब कोई साधना में बढ़ोतरी नहीं हो रही है। प्रतिदिन कुछ ना कुछ निवृत्ति आनी चाहिए, और मैं तो ऐसा समझता हूं ना आवे तो कम से कम अच्छे संकल्प तो चित्त में आने ही चाहिए। क्या आवे, अब ये काम कल से नहीं करूंगा, ये समय इसमें ज्यादा नहीं बिताऊंगा, कम से कम कुछ अच्छे संकल्प तो मन में आवे। यहां संकल्प की बात तो दूर रही, इस पे कभी ध्यान ही नहीं जाता कि मैं दिन भर क्या होता जा रहा हूं, प्रवृत्त होता जा रहा हूं, प्रवृत्त होता जा रहा। साधना की उन्नति का जो चिन्ह है वह एक है बस, आप कितने निवृत्त हुए। और मैं ऐसा समझता हूं इसका उम्र से कोई लेना देना नहीं है, इसका उम्र से कोई लेना देना नहीं है। व्यक्ति काम तो सभी व्यक्ति करेगा, जो समय प्रवृत्ति का है उसके बाद उस व्यक्ति ने क्या ले ली, निवृत्ति समाप्त। तो आप समझ लो वह तो साधना में जीवन है। इसके जो व्यक्ति निवृत्त होएगा वही व्यक्ति ये साधना करे, समाधि का अधिकारी ही वही है जो निवृत्त होता जा रहा है। हो गया तुम्हारा, यह तो निर्विकल्प समाधि में पहुंच गया। अब देखो अब क्या विकल्प क्या रह गया इसके पास, अब शब्द को पकड़ रहा है, शब्दों को पकड़ रहा है, बोले वो भी नहीं पकड़ रहा है, बोले सत्ता को पकड़ रहा है, नाम रूप को पृथक कर रहा है, बोले वो भी नहीं कर रहा है, तो कर क्या रहा है, बोले कुछ नहीं कर रहा है, सिर्फ एक काम है, उस रस में क्या है, वह मग्न है। अहो, रस के मग्न में शरीर की भावभंगिमा ये हो गई कि वह व्यक्ति स्तब्ध हो गया, ये आ गई बाहर की स्थिति, स्तब्धि भाव। मिल गया श्लोक, अब एक एक शब्द आपको खुल जाना चाहिए अपने आप से, स्वयं से। स्तब्धि भाव, क्यों स्तब्ध हो गया, रसास्वादात, उसको क्या आने लगा, रस आने लगा। तृतीय पूर्व वन्मतः, तृतीय मतलब निर्विकल। अब पूर्व की तरीके से इसकी तीसरी भी समाधि आ गई, कौन सी, निर्विकल। और देखो कंक्लूड करते हैं, हे साधक निवृत्ति परायण जीवन जियो। क्या करूं, नयेत कालम निरंतरम, अपना जो समय है वो एतई समाधि भी षड्वी, यह छह प्रकार की समाधियों को करने में ही अपना समय क्या करो, व्यतीत करो। यही पंक्ति पहले बोली थी, क्या बोली थी, समाधिम सर्वदा कुर्यात, यही बोला था समाधिम। तो ये विषय बंद करते हैं यहां पर, समाधि का प्रकरण। साधक जो भी समय मिले उसको क्या करो, उसको क्या करो, ये छह प्रकार की समाधि करो। ये नहीं कहा जा रहा है तीन करो, दो करो, एक करो, छहों प्रकार की समाधियों में अपना समय क्या कर दो, लगाओ नयित कालम, तब जाके तुमको वह सिद्धि प्राप्त होगी। अच्छा भाई, अब ये जो साधना कर रहे थे वो कौन सी साधना कर रहे थे, समाधि। प्रश्न है समाधि की साधना क्यों कर रहे थे, फिर से याद कर लो, आत्मा वारे वा श्रोतव्य मंतव्य निदिध्यासितव्य।
अज्ञान के भंग के लिए कौन सी साधना थी? श्रवण। संशय की निवृत्ति के लिए कौन सी साधना थी? मनन। लेकिन विपरीत भावना को खत्म करने के लिए कौन सी साधना थी? अब उस शिष्य ने एक बड़ा बढ़िया प्रश्न पूछा। बोलते हैं ये बताइए, विपरीत भावना का सबसे क्लिष्ट रूप क्या है? विपरीत भावना है ना, विपरीत भावना मतलब जो मैं होना चाहिए मैं वह नहीं हूं, विपरीत है। बोलते हैं विपरीत भावना का सबसे क्लिष्ट रूप है देहाभिमान। इसीलिए श्लोक आ गया, मतलब देहाभिमान ही समाधि की सबसे बड़ी बाधा है। बनता है ना, देहाभिमान ही सबसे बड़ी बाधा है। और पातंजल योग सूत्र में भी इसको बोला गया अभिनिवेश। ये शब्द की व्याख्या भी कर रहे थे स्वामी जी वहां जबलपुर में, अभिनिवेश शब्द की। हमने क्या कर दिया, शरीर को ही अहं मान लिया, इसको बोलते हैं अभिनिवेश। योग सूत्र की भाषा में क्या बोलेंगे, अभिनिवेश कर दिया। अब ये सूत्र कहाँ आया ये मैं नहीं ढूंढ पाया इतना, वहां आया कि विदुषलोक भी, विदुषाम अपि मतलब विद्वान से विद्वान व्यक्ति भी यहां पे आकर ढीला पड़ जाता है, उसका देहाभिमान का नाश नहीं होता। किसका? विदुषाम अपि। क्या विदुष मतलब विद्वान, तो विद्वान से विद्वान व्यक्ति का भी देहाभिमान क्या होता है, नहीं गल पाता। देखो ये, देखो ये योग सूत्र में भी ये बात कही, ऐसा सूत्र खोजिएगा, इतनी जल्दी तो मिलने वाला है नहीं है। जिसको हम लोग देहाभिमान कहते हैं वेदांत में, उसको योग सूत्र की भाषा में अभिनिवेश की संज्ञा दी गई। ऐसे कभी भ्रमित मत होइएगा, अभिनिवेश, अभिनिवेश मतलब ये हुआ कि जो जो अहम भाव है वो हमने किस में अभिनिवेश कर दिया, शरीर में। तो मैं शरीर को ही क्या मानने लगा, अहम, इसको क्या कर दिया, अभिनिवेश कर दिया। अब ऐसा अभिनिवेश कर दिया कि शरीर और अहम का जो भेद है वो हमको दिखाई नहीं देता। इसे बोलते हैं सबसे बड़ी विपरीत भावना जो है वह क्या है, देहाभिमान है। अच्छा, भागवत में भी कहा गया कि आसक्ति क्या है। भागवत में भी, श्रीमद् महाभागवत पुराण में भी यह विषय आया कि आसक्ति किसको कहते हैं। तो वहां भी देखो, देखो अब ये भागवत कैसे कथा कहानी लोग कह लेंगे। वहां कहा गया कि देहाभिमान ही आसक्ति की जड़ है, देहाभिमान ही आसक्ति की जड़ है। मतलब क्या हुआ, सब आसक्ति प्रारंभ कहां से होती है, देखो आप, अगर देह न होए, अच्छा न होए ये गलत बात है, क्या देह के प्रति अहम बुद्धि न होए, देह के प्रति अहम बुद्धि न होए। संत विनोद, स्वतंत्र लोग विनोद करते हैं, भाई जितनी मार्केट है यह सब किस चीज की मार्केट है, सब देह से संबंधित ही है कि नहीं। यहां तक कि तो विश्वविद्यालय की प्रोफेशनल विद्या भी देह के लिए, संस्कार वाली थोड़ी ना है।
वह तो व्यक्ति को भाई उसी विषय में वो करना चाहता है जिससे उसको क्या आ जाए, धन आ जाए। क्या चाहेगा फिर? धन से शरीर। मतलब पूरे के पूरे जगत में सब कुछ का जो संबंध दिखाई दे रहा है वो किससे? देह से। पूरी मार्केट किसकी? देह। इसलिए आसक्ति की जड़ जो श्रीमद् बात भागवत में भी कही गई वो क्या कही गई? बोला गया देह ही सबकी जड़ है। अच्छा, अब देखो, देहाभिमानी गलिते, देहा अभिमानी, देखो शब्द क्या लिखा गया, गलिते। गलना एक दिन में नहीं होता, इसलिए शब्द क्या लिखा गया, गलिते। नष्ट नहीं लिखा गया। सावधानी से शब्द तो देखो आप, क्योंकि देहाभिमान एक दिन में नाश भी नहीं होता। आज साधना की वो नाश हो गया। बहुत एक ट्रेडिशनल उदाहरण है, नमक की गुड़िया को, नमक को अगर पानी में डाल दो, पहले वो नमक आता तब तो दिखता ही नहीं है, वो कैसा, वो है ना काला सेंधा नहीं, वो गट्ठे गट्ठे के रूप में रहता था, क्रिस्टल के फॉर्म में, है ना। अच्छा, उसको आप डाल दो पानी में, है ना, पानी में डाल दो तो कैसे गलेगा? देखो, लेकिन गलेगा। और इसलिए देखो आप कितना ज्ञान होगा इसमें। ये नहीं लिखा कि देहाभिमाने नष्टे, देहाभिमानी गलते, एक दिन में नहीं गलता। ये नमक की तरीके से, जैसे नमक की गुड़िया को समुद्र में डाल दिया जाए तो वह धीरे धीरे गलती है, ऐसे ही साधक का देहाभिमान धीरे धीरे गलता है। ये एक दिन की नहीं है कि एक सप्ताह में कि ये क्या हो जाए, हमारा गल जाए ना। वर्षों की काई एक के जन्म में कैसे जाए, एक ही जन्म में कहां से चला जाएगा ये। लेकिन हाँ, ये पक्की बात है, गलन जरूर होगी। गलन होगी, थोड़ा थोड़ा चीजें गलेंगी तो जरूर, पक्की बात। देहाभिमाने गलिते, तो क्या होगा? बोलते हैं, देहाभिमान के गलित होने पर विज्ञाते, महाराज आपके अंदर विज्ञान पैदा हो जाएगा। किसका? शब्द क्या दिखा है? परमात्मनी। परमात्मनी का सीधा सीधा अर्थ है अधिष्ठान। ये जो लोग झगड़ा करते ना, आत्मा का परमात्मा से मिलन, अरे कभी दोनों अलग ही नहीं हुए तो क्या मिलन, और दोनों ही तो एक हैं। ये भाषा ही एकदम गड़बड़ है कि आत्मा का परमात्मा से मिलन। परमात्मनी, जैसे ही उसका ज्ञान होएगा, किसका? अधिष्ठान का। धीरे 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 गलन क्या हो गई? प्रारंभ हो गई। लेकिन ध्यान रखना, देहाभिमान का जो इलाज है वह विज्ञान है, ये आत्मज्ञान है। इसके अलावा देहाभिमान किसी से नहीं गल सकता, भक्ति से भी नहीं गल सकता। भक्ति में भी एक अहंकार जीवित रहेगा कि मैं इसका सेवक हूं, तो मैं तो बचा ना। यहां कह रहे हैं मैं को भी क्या कर दिया, गला दिया, ये भी भाव नहीं रह जाए। कैसे होगा? परमात्मनि, उसके ज्ञान से। किसके? परमात्मा। कौन है वह परमात्मा? सच्चिदानंद। देखो जी, उसी परमात्मा का ही नाम क्या है? सत चित आनंद। अब बोलते हैं, अब मन कहां जाएगा? अच्छा, कहां जाएगा? दो जगह जाएगा, या तो अंदर जाएगा या तो बाहर जाएगा, तो भी समाधि लग गई। अंदर जाए तो समाधि,
बाहर जाए तो समाधि, चित्त की वृत्तियों को देखेगा तो भी समाधि। देखो कैसे फंसा है, चित्त की वृत्तियों को देखेगा तो भी समाधि, बाहर के दृश्यों को देखेगा तो भी समाधि। अब कहां जाएगा अच्छा इसके अलावा, मन सोच के देखो कौन सा स्थान बचा। या तो मन अंदर जाएगा तो किसको देखेगा, वृत्तियों को, तो कौन सी समाधि हो गई, दृश्यानुविद्ध हो गई, वहां से शब्दानुविद्ध जुड़ गई। बाहर देखेगा तो फिर चालू हो गई समाधि। तो क्या बोलते हैं, ऐसी स्थिति आ जाए साधक, यत्र यत्र मनोयाति, जहां जहां मन जाए। देखो ये स्थिति हो गई अब, यत्र यत्र मनोयाति। हम लोग अभी क्या करते हैं, मन को खींच के लाते हैं समाधि में, ध्यान में। किसको खींच के लाए, मन को लेके आए। अब ये क्या कह रहे हैं, जाने दो, जहां देखे। तो बोले स्वतंत्र, बोले ये पूर्ण स्वतंत्र है, ये जिसको भी देखे, जहां भी देखे, जैसे भी देखे, बोले देखेगा क्या, यत्र यत्र मनोयाति तत्र तत्र, वहां वहां उस साधक की क्या लग जाती है, समाधि लग जाती है। ये स्थिति आ गई किसकी, ये स्थिति किसकी, समाधि के फल की। अभी तक जो आप पढ़ रहे थे वो साधन था, अभी तक जो आप पढ़ रहे थे वो क्या था, साधन। और अब इसका क्या आ गया, फल आ गया। फल क्या आ गया, उसकी मन जहां जहां जाता है वहां वहां। और इसका एक आखिरी फल है, ये सबसे बड़ा फल है वेदांत का, सबसे बड़ा फल है, भिद्यते हृदय ग्रंथि ही, सबसे बड़ा फल, इससे बड़ा फल नहीं हो सकता। छिद्यन्ते सर्व संशयाः, छीयन्ते चास्य कर्माणि, तस्मिन् दृष्टे परावरे। बहुत सुंदर श्लोक है, ये है इसकी फलश्रुति, कि साधक के साथ समाधि के अभ्यास करने के बाद उसके चित्त में क्या घटना घटित हो गई, अब क्या हो गया उसके साथ में। बोले एक तो ये घटित हो गया, साधो सहज समाधि भली, आंख न मूंदा, कोई आंख मूंदने की जरूरत नहीं, कोई आसन में बैठने की जरूरत नहीं, कोई नाम जपने की जरूरत नहीं है। कैसी, जैसे यत्र यत्र मनोयाति, जहां जहां मन जाता है वहीं वहीं उस व्यक्ति की क्या लग गई, समाधि लग गई। अब ये श्लोक रह गया, लेकिन ध्यान रखना इस श्लोक इतनी जल्दी ये सब समाप्त, अभी मैं फिर से एक दो श्लोक कहूंगा आपको, पीछे से घुमाऊंगा निर्विकल पर। तो अभी संभवतः 3 से 5 दिन अभी और लग सकता है, इसलिए आप ये जल्दबाजी मत करना कि खत्म हो गया, एकदम नहीं। और अब उसी दिन बताऊंगा आपको। अच्छा यह ग्रंथ समाप्त नहीं हुआ, अभी और श्लोक हैं, अभी आगे की बात बताऊंगा फिर कभी। पुस्तक खरीदो जाके दूसरी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।